आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश नायक और आज हम और कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं पुश डाउन ऑटोमेटा ग्रुप का। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। इस चैनल में हम हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काइंडली फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करें। आज का पहला एग्जाम्पल है, ऐसा एक पीडीए डिजाइन करते हैं जो कि WCWR इस तरह का लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। यहां पर W एक अगर स्ट्रिंग होता है तो WR उसका रिवर्सल है और ये जो है ABC+ में डिफाइंड है। तो इसके स्ट्रिंग्स कैसे होंगे देख लेते हैं। पहले ACA हो सकता है, BCB हो सकता है, ABCBA हो सकता है। तो इस तरह से जैसे कि यहां पर देखिए ABBC, उसके बाद ABB का रिवर्सल BBA। तो चलिए इसका कुछ एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो पहला सिंबल जो है ए या फिर बी से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद कितने भी ए और बी आ सकते हैं जो कि W के अल्फाबेट्स होंगे, और उसके बाद एक ही सी आएगा, और सी आने के बाद WR के लिए स्ट्रिंग्स ए और बी से अपियर होंगे। तो इसका रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे देख लेते हैं। स्ट्रिंग W का जो अल्फाबेट्स हैं ए और बी, जब भी ये आते जाएंगे उसको हम पुश करते जाएंगे स्टैक के अंदर। जब अल्फाबेट सी आएगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उसके बाद जब भी बी और ए आएगा और वो टॉप ऑफ द स्टैक से मैच करता रहेगा तो उस एलिमेंट को हम पॉप करेंगे, और जब सारे के सारे ए या बी जो कि स्टैक में है वो पॉप आउट हो जाएंगे और स्ट्रिंग लास्ट में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि WCWR जो लैंग्वेज है वो PDA एक्सेप्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है इनपुट स्ट्रिंग के पहले एक एप्साइलॉन लिखते हैं और उसके बाद एक एप्साइलॉन लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं आपको पहले से ही पता है। तो जब पहला एप्साइलॉन आया तो हम स्टेट क्यू नॉट में रहेंगे जो कि स्टार्टिंग स्टेट है, और ट्रांजिशन करके जाएंगे स्टेट Q1 में, और लेवल डार्क में क्या लिखेंगे, एप्साइलन कॉमा एप्साइलन एरो जेड नॉट। इसका मतलब ये ट्रांजिशन क्यू नॉट से इनपुट सिंबल एप्साइलन, स्टैक सिंबल एप्साइलन, तो हम स्टेट Q1 पे जाएंगे और पुश करेंगे जेड नॉट स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है ए। जब फर्स्ट ए अपीयर हुआ तो हम स्टेट Q1 में हैं, स्टेट Q1 में ही रहेंगे, इनपुट सिंबल ए, और टॉप ऑफ द स्टैक में है जेड नॉट, तो हम ए जेड नॉट को पुश करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो जेड नॉट था उसको पॉप करेंगे, फिर उसी को पुश करेंगे, उसके बाद जो इनपुट सिंबल ए है उसको हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। तो उसको ट्रांजिशन की तरह लिखें तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा ऑफ Q1 ए जेड नॉट इक्वल टू Q1 ए जेड नॉट। यहां पर देखिए ए की जगह बी भी आ सकता था, अगर बी आए तो उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं स्टेट Q1 में है, इनपुट सिंबल है बी, टॉप ऑफ द स्टैक में है जेड नॉट, तो वही Q1 स्टेट में रहेंगे और बी जेड नॉट को पुश करेंगे। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते थे, बी कॉमा जेड नॉट एरो बी जेड नॉट। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है बी। यहां पर देखिए बी है इनपुट सिंबल, ए है टॉप ऑफ द स्टैक में, तो हम क्या करेंगे, बी कॉमा ए एरो बी ए, इसका मतलब जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप करेंगे, फिर उसी को पुश करेंगे, और जो इनपुट सिंबल बी है उसको हम पुश कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक में बी आ जाएगा। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है और एक बी, तो हम स्टेट Q1 में है, इनपुट सिंबल है बी और स्टैक सिंबल है बी, तो हम बी बी को पुश करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी कॉमा बी एरो बी बी। तो यहां पर देखिए टॉप ऑफ द स्टैक में ए या बी कुछ भी आ सकता है, और जो इनपुट सिंबल है यहां पर ए या बी कुछ भी आ सकता है, तो यहां पर हमको सारे के सारे ऑप्शन को लेना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ जब इनपुट सिंबल ए और टॉप ऑफ द स्टैक में ए है तो हम ए ए पुश करेंगे,
जब इनपुट सिंबल ए और टॉप ऑफ द स्टैक में बी है तो हम बी ए पुश करेंगे, जब इनपुट सिंबल बी और टॉप ऑफ द स्टैक में बी है तो बी बी को पुश करेंगे, और जब इनपुट सिंबल बी और टॉप ऑफ द स्टैक में ए है तो हम बी ए को भी पुश करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है हम क्यू वन स्टेट के ऊपर हम लिख लेंगे। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है सी और टॉप ऑफ द स्टैक में है बी, तो हम स्टेट क्यू वन से क्यू टू में आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए, जब भी सी आएगा जो टॉप ऑफ द स्टैक में है उसी को ही हम पुश कर रहे हैं। इसका मतलब जो स्टैक का कंडीशन होगा वो अनचेंज रहेगा। यहां पर बी टॉप ऑफ द स्टैक में था, उसको हम पॉप किए, फिर उसी को ही पुश कर देंगे, तो जो स्टैक का कंडीशन था वो अनचेंज रहेगा। सो नेक्स्ट इनपुट सिंबल है बी। यहां पर देखिए बी है टॉप ऑफ द स्टैक में और बी है इनपुट सिंबल। जब भी ये दोनों मैच करेंगे तब हम टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप करेंगे। तो यहां पर बी और बी मैच हो गया, इसलिए हम इसको पॉप कर दिए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है और एक बी। यहां पर भी देखिए टॉप ऑफ द स्टैक में बी है और इनपुट सिंबल बी है, तो ये मैच हो गया, तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप कर देंगे। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है ए। यहां पर टॉप ऑफ द स्टैक में ए है और इनपुट सिंबल भी ए है, मैच हो गया, तो इसीलिए इसको भी हम पॉप कर देंगे। तो देखिए यहां पर एक ही लूप के अंदर हम लिख दिए बी कॉमा बी एरो एप्साइलॉन और ए कॉमा ए एरो एप्साइलॉन। इसका मतलब इनपुट सिंबल में जो सिंबल है और टॉप ऑफ द स्टैक में जो सिंबल है वो जब तक मैच होता जाएगा हम पॉप करते जाएंगे। अब हम लास्ट में आ गए, इनपुट सिंबल है एप्साइलॉन। जब इनपुट सिंबल एप्साइलॉन आ गया हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में है जेड नॉट, तो हम क्या करेंगे, जेड नॉट को पॉप कर देंगे और फाइनल स्टेट में आ जाएंगे। इसी तरह से ये स्टैक भी खाली हो गया, हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग में आ चुके हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पीडीए जो हम डिजाइन किए ये वाला लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। यहां पर जो लैंग्वेज ले रहे हैं WWR, तो ये लैंग्वेज कैसे स्ट्रिंग्स को जनरेट करेंगे, ए ए बी बी ए बी बी ए इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल ए बी 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 ए। तो इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, स्टार्टिंग सिंबल है ए या बी, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, और उसके बाद कितने भी ए या फिर बी आएंगे जो कि डब्ल्यू का स्ट्रिंग फॉर्म करें, उसके बाद हम डब्ल्यू आर के लिए स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। लेकिन ये कहां तक डब्ल्यू का स्ट्रिंग है और कहां से डब्ल्यू आर का स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ उसको जानने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एक एप्साइलॉन डाल देंगे बीच में। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है ये डब्ल्यू का स्ट्रिंग माना जाएगा और इसके राइट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है ये डब्ल्यू आर का स्ट्रिंग माना जाएगा। ये छोटा सा चेंज करके ये पीडीए को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है देख लेते हैं, जब भी W का स्ट्रिंग A या B कुछ भी एलिमेंट्स आए उसको हम स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे, जब एप्साइलॉन आएगा हम कुछ भी नहीं करेंगे, और जब भी WR का स्ट्रिंग आएगा हम स्टैक एलिमेंट से मैच करते जाएंगे, जब भी मैच होगा उसको हम पॉप करते जाएंगे, जब स्टैक एलिमेंट खाली हो जाएंगे और स्ट्रिंग भी खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे ये पीडीए ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए डिजाइन करते हैं। तो पहला एप्साइलॉन और लास्ट एप्साइलॉन जो है क्यों होता है पता है, ये बीच वाला एप्साइलॉन हम ये डब्ल्यू और डब्ल्यू आर को सेपरेट करने के लिए दिए हैं। तो फर्स्ट एप्साइलॉन आने पर हम स्टेट क्यू नॉट से क्यू वन में जाते हैं और टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट लिखते हैं। तो फर्स्ट अल्फाबेट ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, तो हम स्टेट क्यू वन में ही रहेंगे और ए जेड नॉट को पुश करेंगे। इसका मतलब जेड नॉट को पॉप करेंगे, पहले जेड नॉट को पुश करेंगे, उसके बाद जो इनपुट सिंबल ए है उसको हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट इनपुट सिंबल आएगा बी, नेक्स्ट इनपुट सिंबल बी आने पर हम उसी स्टेट में रहेंगे और जो टॉप ऑफ द स्टैक ए है उसको हम पॉप करेंगे, उसी को पुश करेंगे, उसके बाद इनपुट सिंबल
ए को भी स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है बी, तो टॉप ऑफ द स्टैक में है बी, तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप करेंगे, उसी को पुश करेंगे पहले, उसके बाद इनपुट सिंबल बी को हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हम किए थे, इसके अंदर इनपुट सिंबल ए या बी कुछ भी हो सकता है और टॉप ऑफ द स्टैक में ए या बी कुछ भी हो सकता है, तो वो सबको डील करने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्यू नॉट के ऊपर ये सारे के सारे स्टेटमेंट हम लिख दिए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है एप्साइलॉन, जब एप्साइलॉन आएगा तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक में ए भी रह सकता है या फिर बी भी रह सकता है, जो भी रहे उसी को ही हम पहले पॉप करेंगे और उसी एलिमेंट को हम पुश कर देंगे। इसका मतलब द स्टैक का जो स्टेट है वही अनचेंज रहेगा। तो यहां पर टॉप ऑफ द स्टैक में बी था, उसको हम पॉप किए, फिर उसी को ही हम पुश कर दिए, तो इस तरह से जो स्टैक का स्टेट था वो एज इट इज रहा। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है बी, टॉप ऑफ द स्टैक में भी बी है, तो यहां पर देखिए ये दोनों मैच हो गया, तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक में जो बी है उसको हम पॉप कर देंगे। ये भी हो सकता है कि ए ए भी मैच हो सकता है, तो इसलिए हम ये दोनों को ही लिखना यहां पर चाहिए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है बी, यहां पर देखिए टॉप ऑफ द स्टैक में बी है और इनपुट सिंबल भी बी है, फिर से मैच हो गया, तो इसलिए हम टॉप ऑफ द स्टैक में जो बी था उसको हम पॉप कर दिए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है ए, तो टॉप ऑफ द स्टैक में भी ए है, तो हम क्या करेंगे, हम जो टॉप ऑफ द स्टैक था उसको हम पॉप कर देंगे, ए कॉमा ए एरो एप्साइलॉन, इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इनपुट सिंबल है एप्साइलॉन और टॉप ऑफ द स्टैक में है जेड नॉट, तो हम क्या करते हैं, जो टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है उसको पॉप करके फाइनल स्टेट में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये जो पीडीए है ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जो इनपुट स्ट्रिंग लास्ट वाला हम स्कैन कर चुके हैं और टॉप ऑफ द स्टैक में भी एप्साइलॉन है, तो इसलिए हम फाइनल स्टेट में आ गए। तो देखिए यहां पर दोनों एग्जाम्पल डिफरेंट थे, लेकिन उसको जो हम प्रोसेस किए उसको एक ही तरह से प्रोसेस किए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आया एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। पीडीए के ऊपर और कुछ कॉन्सेप्ट लेके फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।